दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार कपिल सिब्बल ने सीताराम बाजार की एक चुनावी सभा में अपने विरुद्ध चुनाव लड़ रहे बीजेपी के हर्षवर्धन पर हमला बोलते हुए कहा, हर्षवर्धन का परिवार ईस्ट दिल्ली में है और वो अपना परिवार छोड़कर चांदनी चौक आए हैं, उनको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। एक ऐसा शख्स है जो ईस्ट दिल्ली में रहता है, ठीक है, उसका घर तो ईस्ट दिल्ली में है और पिछले 21 साल वो ईस्ट दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उस परिवार से वो जुड़े हुए हैं। पहली बात तो है कि अगर मैं आपके परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और 21 साल आपके साथ में रहा हूँ, एक शाम में उठ के चले जाऊँ और कहीं और चले जाऊँ, आपके मन में सवाल उठेगा कि भैया तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मुझे बता को तो जा, तू क्यों गया। और आपके मन में सवाल उठेगा कि तू अपने परिवार को छोड़ के यहां क्यों आया। उसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला। जो अपने परिवार को छोड़ सकता है वो दूसरों का क्या कर सकता है। उनको समस्याएं चांदनी चौक की तो पता नहीं। कहते हैं कि मेरा जन्म यहां हुआ था। अरे जन्म यहां हुआ था तो तब से और आज तक उस जन्म स्थान को आप भूल क्यों गए। सारी उम्र तो आप जन्म स्थान आए नहीं, चुनाव के पहले आप जन्म स्थान आ गए और आपने ऐलान किया मेरा जन्म यहां हुआ था। तो अगर जन्म हुआ था, इतना ही लगाव था, तो आप चांदनी चौक रहते, आप इस दिल्ली में क्यों गए। अगर आप चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे और आप वहां के बीजेपी के अध्यक्ष भी हो, तो अगर आपको चांदनी चौक से लड़ना है और पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है तो दूसरा सवाल ये उठता है, आपने पार्लियामेंट का चुनाव ईस्ट दिल्ली से क्यों नहीं लड़ा। भाई आपका परिवार है, आप 21 साल वहां विधायक रहे हो, पार्लियामेंट का चुनाव है, पार्लियामेंट की ईस्ट दिल्ली की सीट है, तो आपने वहां क्यों नहीं चुनाव लड़ा पार्लियामेंट का, आप यहां को चुनाव लड़ने आ रहे हो। अगर ऐसी बात है तो एमएलए से इस्तीफा दो, एमएलए से इस्तीफा दो, विधायक हो आप वहां के, दिल्ली असेंबली से इस्तीफा दो और उसके बाद अपनी अध्यक्षता से इस्तीफा दो और चांदनी चौक की जनता को आकर कहो, मैं हारूं या जीतूं मैं आपकी सेवा करूंगा। वो भी नहीं किया क्योंकि इनको मालूम है कि 16 मई को जब परिणाम आएगा तो जीतेगा तो सिब्बल ही। और ये वापस इस दिल्ली चले जाएंगे। सिब्बल पिछले 10 साल से चांदनी चौक से सांसद हैं और जिस तरह की चुनावी हवा चांदनी चौक के गलियारों में बह रही है उससे ये लगता है उनका ये कार्यकाल 15 साल का होने जा रहा है।